हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों में पहले प्रदेश में सियासी गमगहमी शुरू हो गई है। चुनाव का ऐलान हालांकि होना अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले ही दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भाजपा संगठन के तैयारियों के बल पर प्रदेश में आगामी पंचायती राज चुनावों में जीत का दावा किया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने महामारी के कठिन दौर में जनता के बीच रहकर पूरी शक्ति से सेवा का काम किया है और जनता के बीच रहकर लोगों की हर मदद की है। संगठन ने सरकार की जनहित वाली योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर जनता से लगातार संपर्क रखा है। आगामी चुनावों में प्रदेश सरकार के कामों और संगठन की मेहनत के भरोसे प्रदेश में भाजपा का झंडा लहराएगी। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने किसान कानून को लेकर भ्रम के चलते शुरू आंदोलन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आंदोलन को कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपने फायदे के लिए हवा देने का आरोप लगाते हुए इसे किसानों के साथ नाइंसाफी बताया है। कश्यप ने कहा कि अन्नदाताओं को सियासी मोहरा बनाकर कुछ दल अपनी सियासी लड़ाई को जिंदा रखने में लगे हुए हैं, जो देश और समाज के हित में नहीं है। पंचायती राज के चुनाव बहुत शीघ्र उनकी नोटिफिकेशन होने वाली है, कई जिलों में रोस्टर भी जारी हो गया है और निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हमारे लिए है। लेकिन यह कहना चाहूंगा कि 3 साल का जो उपलब्धियों भरा कार्यकाल प्रदेश सरकार का रहा है और कोविड के समय में भी प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए जिस प्रकार से काम किया, उस दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा बहुत अच्छा प्रदर्शन इस चुनाव में रहेगा। साथ ही हमारी पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लगातार हमारा संगठन प्रदेश में पार्टी को और मजबूत करने में लगा रहा, कोविड के समय में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को चाहे वो भोजन किट मुहैया, राशन किट मुहैया करवाने की बात थी, भोजन देने की, भोजन पैकेट देने की बात थी, मास्क वितरण की बात थी, सैनिटाइजर की वितरण की बात थी और ये प्रयास किया कि लोगों को किसी प्रकार की सुविधा ना हो, उस दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा संगठन बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। आज प्रदेश से लेकर पन्ना प्रमुख तक कोविड के समय में भी हमारा संगठन लोगों की सेवा में लगा रहा और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करती रही कि सदा ही आम लोगों को उनको किसी प्रकार की सुविधा ना हो। और हमारा ये भी प्रयास रहा कि जो केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां हैं वो हर घर तक पहुंचाई जाए। आज हिमाचल प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसको किसी ना किसी रूप में, चाहे हम केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें या प्रदेश सरकार की योजनाओं की बात करें, उनका लाभ ना मिला हो। और निश्चित रूप से जब हम हर घर तक जनता को बीच में इस बात को पहुँचाने में कामयाब होंगे तो उसका फायदा हमको इस चुनाव में मिलेगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत अच्छे से प्रदर्शन करेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी पार्टी से समर्थित जिला परिषद, पंचायत समिति, स्थानीय निकाय और हमारे प्रधान उपप्रधानगण ज़्यादा से ज़्यादा जीत कराए। किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, ये एक राजनीतिक आंदोलन बन गया है और राजनीतिक पार्टियाँ अपना हित साधते हुए किसानों के कंधे पर रखकर ये प्रयास कर रही हैं कि किसानों को भ्रमित किया जाए, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस ये आंदोलन किसानों का ना होकर विपक्षी पार्टियों का हो गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें CPI है, CPIM और दूसरे बहुत सारे दल हैं जो कि इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कृषि कानून किसानों के हक में है, उनके हित में है, इससे उनको फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA सरकार सदा ही किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी।